الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقادر وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا حلال مشکلات مولا کائنات اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب صلوات اللہ و سلامہ علیہ کے خطب اور کلمات قصار کا مجموعہ ہے نہج البلاغہ جس کو سید رضی نے جمع کیا تھا. سید رضی اولاد حضرت موسیٰ بن جعفر صلوات اللہ و سلام علیہ. سید رضی کو ادب سے بڑا گہرا لگاؤ تھا. سید رضی نے جس طرح سے امین المومنین کے کلام کو جمع کیا اسی طرح سے ختمی مرتبت کے کلام کو بھی جمع کیا ہے کہ کہاں کہاں ختمی مرتبت کا کلام اعجاز بن جاتا ہے. اس کتاب کا نام ہے مجازات النبویہ. مجازات النبویہ نہج البلاغہ ہے. تیسری کتاب سید رضی کی جو بڑی اہم اور محترم شان ہے اور نایاب ہے وہ تلخیص البیان ہے. یعنی پورے قرآن مجید کی تفسیر کی ہے, ایک ایک سورے کی تفسیر کی ہے, مگر اس طرح سے کہ جو آیت متشابہ ہو اس کو انہوں نے واضح کرنے کی کوشش کی کہ اس کے معنی یہ ہے. اس کے علاوہ سید رضی صاحب دیوان ہے. سید رضی خود مختلف علوم میں دستگاہ رکھتے ہیں اور ہمارے علماء میں سب سے زیادہ کم سنی میں انتقال کرنے والوں میں سید رضی ہے. تو کلمات قصار کے معنی چھوٹے چھوٹے کلمے جو امیر المومنین کے ہیں اس کو بھی جمع کیا ہے, اور انہی کلموں کو آمدی نے بھی جمع کیا, عبدالاحد آمدی نے, اور ان کی تعداد کوئی تقریباً 7000 ارشادات کی ہے. 7000 کلمے جمع کیے گئے ہیں. ابھی ابھی تہران نے ترجمے کے ساتھ اور شرح کے ساتھ اس کو کئی جلدوں میں شائع کر دیا ہے. ان کتابوں پر نظر ڈالنے کے بعد امیر المومنین کے ارشادات کو تفسیر و تشریح کے ساتھ پڑھنے میں آپ اس نتیجے تک پہنچیں گے کہ بعض اہم ترین باتیں مولا کائنات کی اس قابل ہے کہ اس کو ہر اجتماع میں لوگوں تک پہنچایا جائے. میں اس وقت امیر المومنین کے دو جملوں کو پیش کروں گا, اور یہ دو جملے بہت عجیب ہیں. ارشاد فرماتے ہیں من کثرت علیہ نعم اللہ کثرت علیہ حوائج الناس, جس پر اللہ اپنی نعمتوں کو زیادہ مبذول کرتا ہے
लोगों की हाजतें भी उससे उतनी ही ज्यादा हो जाती हैं। जिस पर जितनी नेमतें नाजिल करता है लोगों के रुख को भी उधर फेर देता है कि हमने उधर नेमतें नाजिल की है, वहां जाओ। इरशाद हुआ कि मन काम लिमा यजिब, और जो साहिब नेमत कियाम करे उस अम्र के लिए जो उस पर वाजिब है, और रदहा इल दवाम वल बका, तो खुदा ऐसी दौलत को दवाम और बका अता कर देता है कि हमने बंदे को दिया, बंदे ने और बंदों को दे दिया। वो मन लम यकुम बेमा ला यजिब और रदहा इलाज़वाल वल फना, और जो कियाम नहीं करता है अम्र वाजिब, तो हम फिर उस दौलत को जवाल और फना के हवाले कर देते हैं ताकि उसको कोई शिकायत का हक बाकी न रहे कि ये आई कैसे और गई कैसे। यह पहला हिस्सा, बहुत गौर से सुनिए, मैं क्या अर्ज करना चाहता हूं। दूसरा इरशाद गालिबन इसका निशान है 364, और इसके बाद जो मैं इरशाद अर्ज कर रहा हूं इसका निशान है 414। इरशाद हुआ कि इन्ना लिल्लाही इबादन, अल्लाह के लिए कुछ बंदे हैं, यख्तसुहुम बिन निअम, के जिनको खुदा मखसूस करता है नेमतों के साथ, मखसूस करता है नेमतों के साथ। फइजा बजलू युकिर्रुहा फी आईदीहिम, जब ये देते जाते हैं तो नेमत को इन हाथों में बाकी रखता है। वइजा मनऊहा, और अगर रोक ले अपने हाथ को, तो इरशाद हुआ हव्वलहा इला गैरहिम, तो उस हाथ से छीन के नेमत दूसरे के हवाले कर दे। देखिए ये दो इरशादात हैं। एक पहला इरशाद ये है कि जब खुदा नेमत देता है और जो कियाम करता है अम्र वाजिब, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझ पे वाजिब क्या है, तो खुदा वली अली आला उसको करार देता है, तमकीन देता है, नेमतों को बाकी रखता है। दूसरा इरशाद यह कि अल्लाह के लिए कुछ बंदे हैं ऐसे कि जिनको मखसूस करता है नेमतों के लिए, और जब तक वो देते रहते हैं उनके हाथों में नेमतों को बाकी रखता है, जब वो रोक लेते हैं वो नेमतें हट जाती। इस वक्त गुफ्तगू मैं इसलिए कर रहा हूं कि मेरे पास अब इस मजलिस में नेमत का मफहूम माले दुनिया नहीं है, अगरचे वो भी है, अगरचे वो भी है, इस वक्त इस मजलिस में मेरे पास नेमत का मफहूम जरो जेवर नहीं है। मेरे पास नेमत का मफहूम वो है जो शोहरत दवाम आले मोहम्मद को मिली है। नारे हैदरी, नारे हैदरी। इससे बढ़कर तो कोई नेमत नहीं है ना। एहतना सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लजीना अनअमत अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने अपनी नेमतों को नाजिल किया, तो ये नेमत आले मोहम्मद को मिली है। मैं सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूं, इस मजमे में मेरे पास जाहिर है कि इतनी कुव्वत और ताकत नहीं है कि मैं इस तकरीर को देर तक जारी रख सकूं, मगर मैं आपकी खिदमत में यह अर्ज करूंगा कि आले मोहम्मद को अल्लाह ने जो नेमतें अता की वो आज हैं या नहीं है, तो अगर है
تو یقیناً اسی لیے ہے کہ آل محمد آج بھی نعمتوں کو تقسیم کر رہے ہیں. آج بھی نعمتوں کو تقسیم کر رہے ہیں, مسلسل نعمتیں بٹ رہی ہیں, اور چونکہ بٹ رہی ہیں اس لیے اللہ نے کہا اسی گھرانے میں رکھو, اسی گھرانے میں رکھو. تو یہ صاحبان نعمت ہے, انہوں نے اپنے ہاتھ کو نہیں روکا. یعنی یہ نہیں کہ سائل کو دیا, یتیم کو دیا, عزیز کو دیا, مسکین کو دیا, وہ اور ارے آج عقل کو دے رہے ہیں, شعور کو دے رہے ہیں, فکر کو دے رہے ہیں, فہم کو دے رہے ہیں, ادراک کو دے رہے ہیں, تفکر کو دے رہے ہیں, انسان کے ذہن کو دے رہے ہیں, روح کو دے رہے ہیں, نفس کو دے رہے ہیں, ہر مقام پر ہر ایک کو اپنے خزانے نعمت سے عطا کیے جا رہے ہیں. نعمت ملنے کے بعد اگر روک لیتے تو نعمت باقی نہ رہتی. مختصر سی گفتگو سمجھ میں آئی؟ آل محمد کو اللہ نے نعمتیں دی, آل محمد نے نعمتوں کا استعمال اس طرح سے کیا جیسا کہ خداوند علی اعلی کی مرضی تھی کہ تم بھی تقسیم کرتے جاؤ. تو اس کو خزانہ رحمت بنایا آل محمد کے گھرانے کو, اور اس خزانہ رحمت سے چھوٹی چھوٹی نالیاں تم لوگوں کے دلوں تک پہنچا دی تاکہ برابر فیوز بڑھتے رہے. اس لیے اللہ نے چاہا کہ اب اس گھرانے میں نعمت رہے, اس گھرانے میں نعمت رہے. بہت کم گھرانے ہیں جہاں دو تین پشتوں تک نعمتیں رہتی ہیں, یا 1400 برس گزر گئے, 1400 برس گزر گئے, نعمت باقی ہے. اور پھر آل محمد نعمتوں کے مرکز ہیں, نعمتوں کے مرکز ہیں, نعمتیں دے رہے ہیں. ظاہر ہے کہ آل محمد نعمتوں کو دے رہے ہیں, بالکل اسی طرح شہیدوں کو نعمتیں مل رہی ہیں. آپ کو تو معلوم ہے کہ شہیدوں کو رزق ملتا ہے. نہ کہو کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے یا مر گئے وہ مردہ ہیں بلکہ زندہ ہیں. نہ کہو, لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله امواتا بل احياء, مگر اس کے بعد کہا ان ربهم يرزقون, اللہ ان کو رزق دے رہا ہے. تو شہید اپنے رزق میں سے بانٹ رہا ہے کہ نہیں؟ اگر بانٹ رہا ہے تو یقیناً اس کو رزق اور ملتا جائے گا, یہ بانٹتا جائے گا. تو واقعہ کربلا کو 1331 برس گزرے, وہاں بہت سے شہداء ہیں, خود معصوم شہید ہیں وہاں, مگر معصوم کا تالی, معصوم کا ساتھی, معصوم کا بھائی, معصوم کے نقش قدم پر آگے بڑھنے والا, معصوم کا محافظ, وہ ایسا شہید ہے کہ اس کے ذکر کو فنا ہی نہیں. اس لیے کہ عباس مسلسل دے رہے ہیں, مسلسل تقسیم کر رہے ہیں. عباس کو جو بھی رزق ملتا ہے اللہ کی طرف سے, اللہ کی طرف سے عباس کو جو رزق مل رہا ہے بحیثیت شہید کے, اس رزق روحانی و عقلانی سے عباس برابر تقسیم کیے جا رہے ہیں. عباس کا رزق بھی باقی ہے اور عباس کے ذریعے سے ہم پر بھی رزق نازل ہو رہا ہے اور ہماری نسلوں پر بھی نازل ہوتا رہے گا. یہ گفتگو خاص
क्या बात है, कोई और तस्करा होता तो क्या उसमें इतनी ताजगी होती। मेरी हक, मैं कल शाम से अबुल फजल का तस्करा कर रहा हूं, अब भी करूंगा। आज रात की सारी मजलिसों में हजरत अबुल फजल का तस्करा होगा। जाहिर है हर मकाम पर एक ही गुफ्तगू तो नहीं होती, मगर इसके बावजूद मेरा दिल पुकार रहा है कि अगर सदियों यह तस्करा होता रहे तो फजाइल अब्बास में कमी नहीं है। हमारी जिंदगियां कुर्बान अबुल फजल पर, अबुल फजल पर हमारी जिंदगियां कुर्बान, के जिसके लिए जियारत ही में यह लफ्ज है अस्सलाम अलैका अय्युहल अब्दुस सालेह, सलाम हो तुझ पर अय अब्द सालेह। यह इमाम जाफर सादिक के जुमले हैं, अलमुतीउ लिल्लाह वले रसूलेह वले अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह की इताअत करने वाला, रसूल की इताअत करने वाला, अमीरुल मोमिनीन की इताअत करने वाला, हसन और हुसैन की इताअत, इताअत की है, ईमान की इताअत की है, अलमुतीउ लिल्लाह ईमान की इताअत, और फिर जिहाद किया है जो हक जिहाद करने का है। कल नवी की मजलिस में पटेल पार्क में तफसील से गुफ्तगू करूंगा, कुछ गलत फहमी हो रही है, वो ये कि दुनिया में समझती है कि कर्बला जिहाद नहीं है, और इस किस्म से एक बयान भी आ गया है कि कर्बला जिहाद यह क्यों नहीं है, कहा मुसलमानों से जिहाद नहीं होता। एक नई बात सुनी है बरसों के बाद, वो होता है या नहीं होता है, मगर इमाम सादिक कह रहे हैं कि अशहदु अन्नका जाहद का फिल्ला हक का जहाद ही, मैं गवाही देता हूं कि तूने अल्लाह की राह में जहाद किया जो जहाद करने का हक था। हजरत अब्बास के लिए भी यह है कि तूने जहाद किया जो जहाद करने का हक, तो मुजाहिद है, मुहाजिर है, मदीने से आए हैं कर्बला, मुजाहिद है, मुहाजिर है, शहीद है, शहीद है, फिर इमाम का बेटा है, इमाम का भाई है, इसके अलावा अपनी इंफिरादियत को बरकरार रखते हुए यह मारूजा भी उसका कबूल किया गया कि मुझे यहीं रहने दीजिए नहर पर, तो उसके लिए जाए दफन भी अलाहदा है, उसके लिए मजार भी अलाहदा है, उसके लिए जियारतें भी अलग हैं, उसके लिए जियारत करने वाले उसी तरह से जाते हैं जैसे इमाम के लिए जाते हैं। जो हुसैन के पास जाए वो अब्बास के पास जाए, और बराबर जा रहे हैं। आठवीं मुहर्रम की आई और हर घर में जिक्र शुरू हुआ, हाजरियां शुरू हुई, अब्बास अब्बास अब्बास, छोटे बड़े लड़कियां औरतें पूरे सब के सब अब्बास। क्या दे दिया अब्बास ने, क्या दे दिया अब्बास, अब्बास ने तुमको माला माल कर दिया है, अब्बास ने दिल में कुव्वत दी, अब्बास ने मिल्लत को ताकत दी, अब्बास ने
जिंदगी को वो कैफ अता किया कि जहां इंसान समझे कि कुर्बानी में क्या लुत्फ है। अब्बा बड़ी कदरों मंजिलत है, बड़ा मकाम है अबुल फजल का, आगाज अंजाम आज तक यानी ऐसा मालूम हुआ कि सोचा हुआ खाका था। अमीरुल मोमिनीन इल्म लदुन्नी के हामिल थे, वो इल्म जो अल्लाह ने अमीरुल मोमिनीन को अता किया था बहसियत वारिस किताब के, उस इल्म की बिना पर अकील से काकील। मैं चाहता हूं कि मेरे हुसैन का कोई मुहाफिज हो। अकील किसी बहादुर कबीले से एक औरत ढूंढी जाए ताकि उसकी औलाद फातिमा की औलाद के काम आए। जैसा कि कल कभी अर्ज किया कहीं कि उम्मुल बनीन आई पहली मर्तबा घर में निकाह के बाद तो हसन और हुसैन ताजीम के लिए खड़े हो, ताजीम के लिए खड़े हो गए तो हाथों को जोड़ के कहा शहजादो मां बनने के लिए नहीं कनीज बनने के लिए आई हूं, कनीज बन के जीऊंगी, आप ताजीम न करें। आप बैठे मसनद पे बिठाया तीन मरतबे अतराफ फिरी और कहा शहजादो मैं सबके होने के लिए आई हूं, अब्बास पैदा हुए। लोगों ने जाके कहा मौला अब्बास पैदा हुए, बच्चा पैदा हुआ है, एक लड़का पैदा हुआ है उस मुलवरी। मुड़ के कहा हुसैन तुम जाओ, तुम जाओ और बच्चे का कोई मुनासिब नाम रख देना। जब हुसैन इब्ने अली आए तो उम्मुल बनीन ने शिकायत की कि शहजादे क्या मालूम इस बच्चे को क्या तकलीफ है, ये आंखें नहीं खोलता। हुसैन इब्ने अली ने अब्बास को जैसे ही गोद में लिया अब्बास ने आंखें खोली, भाई ने भाई को देखा, भाई ने भाई को देखा, वो आवाज वो अंजाम। अब्बास याद आ रहे हैं, अब्बास दिलो दिमाग पर छा रहे हैं, अब्बास हर एक की मदद करते हैं, अब्बास हर एक के काम आते हैं। शिर्क नहीं है अब्बास को पुकारना, शिर्क नहीं है अब्बास के अलम का एहतराम करना, शिर्क नहीं है अब्बास की निशानियों को अजमत के साथ देखना। अब्बास का हम पर बड़ा एहसान है, गम सैयदुश्शोहदा को अब्बास ने बाकी रख लिया, बच्चे को गोद में लिया, बच्चे ने आंखें खोली तो मुस्कुरा के कहने लगे क्या बाजू हैं इसके, क्या इसके कवि हाथ हैं, क्या बच्चा कवि है, अगर आप मुनासिब समझे तो अम्मा इसका नाम अब्बास रखूं। तो शहजादे आप अली को मुख्तार हैं, इतने में अली आए। कहा क्यों हुसैन कैसा पाया, कहा बाबा बाबा बच्चा शेर है, बच्चा शेर है। का क्या नाम रखा, कहा अब्बास, अब्बास के माने मालूम है बिफरा हुआ शेर,
गुस्से में जो शेर आ जाए उसको अरबी में कहते हैं अब्बास। जब शेर गुस्से में भर जाए तो उसको कहते हैं अब्बास। अब अब्बास साथ साथ है, अब अब्बास साथ साथ है। उम्मुल बनीन के पास कम रहते हैं, हुसैन के सीने पे ज्यादा सोते हैं। इतना पाला है, इस तरह से पाला है, साथ 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 हर वक्त हर वक्त। अमीरुल मोमिनीन ने नसीहत और वसीयत भी यही की थी, हुसैन बच्चे को हवाले कर रहा हूं, भाई समझ के नहीं गुलाम समझ के रख रहा हूं। और अब्बास से कहा आका समझना भाई नहीं समझते। शब आशूर आई और आका ने खुतबा दिया कि सब जाए, अब्बास भी जाने लगे। दौड़ के भाई ने भाई के गले में बाहर डाल दी। अब्बास कहां का इरादा है? अरे मौला सीधे नजब जाऊंगा, जाके कहूंगा बाबा इसी दिन के लिए आपने आका के हाथ में हाथ दिया, आज आका ने भी रुख्सत कर दिया। कहा नहीं अब्बास, नहीं ठहरो। यहां तक के वो वक्त आया जब अब्बास हामिल आलम हुए, मगर बड़ी तमन्ना ये थी कि अब्बास सबसे पहले शहीद होते। मर्जी हुसैन नफी, अली अकबर गए और जो मोहम्मद गए, औलादे अकील गई, औलादे जाफर गई, इमाम हसन के साहब दादे गए, सिर्फ या हुसैन रह गए या अब्बास। तो अब अब्बास ने आलम को तो एक गोशे में रखा, सर आका के कदमों पर रख के अर्ज किया, अब गुलाम से जिंदगी मुमकिन नहीं है, अब जिंदगी मुमकिन नहीं है, इजाजत दीजिए। तो एक मरतबा रो के कहने लगे, अब्बास क्या इसी दिन के लिए पाला था? ये जो सीने पे सुला सुला के पाला था इसी दिन के लिए कि तुम मुझे दादे मुबारक कर दो? अच्छा अगर चलना है तो चलो, दोनों मिल के जाए। कहा नहीं आका बिल्कुल नहीं हो सकता, मैं आपको जख्मी तो देख नहीं सकता, अगर आपको जख्म आ जाए तो मैं जख्मी देख नहीं सकता। अब्बास हैरान हूं और इंतहाई मायूसी के आलम में आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटते हुए सीधे खेमे में चले गए। खेमे में गए, इस खेमे में देखा, उस खेमे में देखा, उस खेमे में। लोगों ने कहा शहजादे क्या ढूंढ रहे हैं? कहा मेरी बच्ची कहाँ है, मेरी बच्ची का सकीना कहाँ है? बच्ची दौड़ते हुए आई, अम्मू अम्मू क्या है? का सकीना प्यासी है ना तू, बहुत प्यास लगी है? कहा हाँ प्यासी हूँ प्यासी हूँ। का सकीना एक काम करो बेटी, एक मश्क लाओ, एक मश्क लाओ, मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो और बाबा से कहो बाबा चचा को जाने दो, चचा को जाने दो। हाय हाय, अब्बास ने सकीना को गोद में लिया, एक मश्क साथ ले ली, खेमे का पर्दा उठा, हुसैन की नजर अब्बास पे पड़ी, पुकार के कहा अब्बास मैं समझ गया, अब्बास मैं समझ गया, तुम अपने सिफारिशी को साथ लाए हो। ये कह के नजदीक आए और कहा सकीना बहुत पछताएगी, सकीना सकीना बहुत रोएगी, सकीना सकीना अब तेरा चाचा वापिस नहीं आएगा।